सचकामिनी हूं, एक निशानी हूं उस औरत की जो इन मर्दों की दुनिया में अपनी एक जगह रखती है। चल सकती हूं अकेली, कोई चलना चाहे साथ मिला सकती हूं अपने कदम। न घमंड है तो कदम आगे रखने का, न कमजोरी है तो कदम पीछे चलने की। सर पे कट रही दुनियादारी, पैरों में घुंघरू, मेरे बढ़ते कदम की आवाज, मेरे बढ़ते कदम की आवाज, मेरे बढ़ते कदम की आवाज। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग दरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग दरा जाओ। चलती चली जाओ,
गजगामिनी प्रिया प्रिया तू है मन मोहिनी चंचल सी कोमल सी तू ही तो है गगन तू ही है धरती तू ही तो है गगन तू ही है धरती अंग अंग तेरे समाई सृष्टि अंग अंग तेरे समाई सृष्टि तू ही भोर तू ही यामिनी गजगामिनी कागा नहीं कामदेव हूं तुम्हारा जन्म जन्म का प्रेमी जयंत के रूप में इस तट पर कई बार उतरा युग युग से अपनी प्रेमिका को ढूंढा तुम्हारी पायल और उसकी धीमी धीमी पुकार ना मालूम मुझे कब से बुला रही है गजगामिनी क्या तुम मेरी आवाज सुन रही हो या पेड़ की तरह खड़ी हो मैं तुम्हें अपनी बाहों में बांधना चाहता हूं लो मैं अपने पंखों को पैरों में बदल कर जमीन पर कूद पड़ता हूं मैं गौधुली का गोविंदा और मैं फूल बेचूं लोग मुझे बुलाए ओ फुलवनिया तू मेरी मुंह बोली बहना तू मेरा दुलारा भैया ये माथे पे लाल पट्टी मेरे सिंदूर का खून किसने किया ढूंढ रही हूँ छोड़ूंगी नहीं क्या फूल बेचते बेचते हाँ भैया इस टोकरी में तो ऊपर ऊपर फूल दिखते हैं मगर इसके भीतर आग ही आग है धोखा न खाना मेरी समझ में तो धूल भरी है हाँ वो गोधूली की धूल भोली भाली धूल अरे कालिदास जी
कहां चले आप इस साइकिल को संभाले? अरे इस खोपड़ी वाली सीट को तो बदलिए। और वैज्ञानिक जी तुम यहां बनारस घाट पर? देखो तुम्हारी श्रीमती आंखें बंद करके सूरज के सात रंगों और सात सुरों की महिमा का आनंद उठा रही है, इसे कहूंगा मैं श्रद्धा। और तुम आंखें खोले सूरज की किरणों की गिनती में लगे हो, इसे मैं कहूंगा श्रम। लेकिन इन दोनों की ही जरूरत है। दोनों की मगर तुम्हारा साइंस सिर्फ एक को मानता है और दूसरे की जांच पड़ताल में उलझा हुआ है। कालिदास, तुम्हारे साथ रहते रहते मेरे टाई और कोट के नीचे पतलून उतर गई है, अब धोती है। श्रद्धा का अंश अधूरा है। साइंस की दुनिया तो आंखों देखी बातों की सिर्फ गणिताई में खोई हुई है, मगर क्या औरत ही श्रद्धा से अपनी आंखें बंद किए किसी का सहारा लिए चले? एक औरत है गजगामिनी, जो हर साल इस घाट से गुजरती है और अति मनमोहक चाल चलती है। कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कोई नहीं जानता। जब चलती है तब यहां का बच्चा बूढ़ा जवान उसे देखकर मोहित हो जाता है। कालिदास, कालिदास, मैं देख रहा हूं कि आजकल तुम बात करते करते बीच में ही कहीं खो जाते हो। तुम हो मेरे सामने लेकिन हो कहीं और। तुमने ठीक देखा, आखिर तुम हमेशा अपनी आंखें खुली रखते हो, लेकिन जब से ये गजगामिनी की झलक बनारस घाट पर दिखाई देने लगी मेरे शब्द भंडार में एक हलचल शुरू हो गई। मेरी कलम उन शब्दों को सवारने में लग गई और मैं एक महाकाव्य की रचना में जुट गया। उसमें गजगामिनी का अनोखा रूप बिखरने लगा। उस रूप को नाम क्या दोगे? शायद शाकुंतल। शाकुंतल कौन? वो तुम्हें साक्षात केरला के जंगलों में गज के साथ नाचती कूदती दिखाई देगी। ऋषि कण्व के आश्रम में ध्यान मग्न होकर अपनी इस कविता को मैं जन्म दूंगा। कालिदास, इट इज नॉट फेयर। तुम जैसे महान कवि और उस चित्रकार दाविंची की रचनाएं इतनी अद्भुत और रहस्यपूर्ण होती हैं कि उन्हें साबित करने में हम साइंटिस्ट को बरसों तक की कड़ी परिश्रम करनी पड़ती है। इट्स जस्ट नॉट फेयर। कलम की एक नोक, ब्रश का एक स्ट्रोक और यहां पर बरसों की खोज। इट्स नॉट फेयर। सुनिए, पीली साड़ी पहने किसी औरत को यहां से जाते हुए देखा आपने? हाँ हाँ, वो तो अभी यहां से गई है। नहीं, वो सामने फुलवनिया और भोला है ना, उनसे पूछो। लो, वो जयंत आ गया। एक ही बात पूछे जाए। किसे ढूंढ रहे हो? गजगामिनी को? अभी यही थी यहाँ, मुझसे वो पूजा के फूल लेती है और दाल मंडी में गजरा। वो सामने उधर भीड़ लगी है, वहां जाके देख लो। भीड़ क्यों जमा है? इटली का वो कलाकार है ना दामेंची, वही आया हुआ है। लोग उसकी बनाई हुई तस्वीरें देख रहे हैं।
धाकर दरी दगने दगे तना दगने दगे तना दरी दगने दगे तने गने ता तरी दगने दगे तना दगने दगे तना दरी दगने दगे तने गने दादा दादी दगने दरी दगने दगे तना दगने तने कर दरी दगने दगे तने गने दादा दादा दादी दगने दगे तना दगने दगे तना गने दरी दगने दगे तने गने दादा पकड़ा गया चोर। जयंत, तुम गजगामिनी की तस्वीर भी नहीं चुरा सकते। दोस्त, एक बात याद रखना, गजगामिनी को हम एक दूसरे से चुराकर कहीं नहीं ले जा सकते। वो हम दोनों के प्यार के बिल्कुल बीच में चल रही है। गजगामिनी को खींचकर मैं कैनवस पर उतारता हूं और तुम संगीत में। बात दोनों की एक ही है, सोज जब दिल में उतर आता है, नगमा आंखों से नजर आता है। मैंने उसे मोनालिसा की मिस्टीरियस मुस्कुराहट में छुपा लिया, तुमने उसे दीपक राग में छेड़ा। मेरी आंखों में उसका नक्शा डूबा हुआ है, तुम्हारे कानों में गजगामिनी का गीत घुला हुआ है। बरसों से हम ढूंढ रहे हैं, दिखाई देती है मगर मिलती नहीं। कभी लगता है वो है और कभी लगता है वो है ही नहीं। इस स्त्री भेद को हमें सुलझाना है। आओ, आज यहां बनारस के इस घाट पर हम एक बैले डांस रचाएं। हम दोनों जानते हैं कि इस घाट की सीढ़ियों से घुंघरू के कुछ गुच्छे लुढ़काएं तो हमारी गजगामिनी उनकी आवाज सुनकर तड़प उठेगी और जहां कहीं भी होगी दौड़ी चली आएगी। उनमें से गजगामिनी कौन सी है? कौन जाने, इसे कहते हैं रास की लीला।
अरे गजगामी कहाँ गायब हो गई? कहाँ खींचे ले जा रही है मुझे? उजाले से अंधेरे में या आधी रात दाल मंडी की गली? सूर्योदय के उजाले में बनारस घाट पर मैंने तुझे पांच पांच गजगामनी की रासलीला दिखाई। अब अमावस के इस गुप अंधेरे में देख, वो संगीता बनी बैठी है, गले में हारमोनियम लटकाए। वो तुझे देख नहीं सकती। ये देखी अनदेखी औरत की अजीब कहानी है। ये भेद क्या है? तू भेद जानकर क्या करेगा? नाटक देख, पर्दा उठने वाला है। पंचकन्या का नाटक। अरे वो दो विदूषक तो मंच पर पहुंच गए। ओ जयंत दा विंची। अरे फुलनिया। हाँ? ये दोनों तो वही हैं जो बनारस घाट से गजगामनी को ढूंढते फिर रहे हैं। हाँ, ये दोनों प्रेम के मारे बेचारे युग युग से अपनी प्रेमिका को कई रूप में सिर्फ जाते देख रहे हैं। वो गली के बीचों बीच कौन बैठी है? वो अब है संगीता। दबे पांव जाओ और पास जाकर पहचानो। वो गाना गायकी क्या? ये क्या पूछने की बात है? तो हम दोनों के हाथों पे एक एक गजरा बांध दो। पैसे? फॉरेन एक्सचेंज। चलो उधार खाते में डाल दो। तुम रास्ते के किसी ना किसी मोड़ पे मिलती रहती हो, वसूल कर लेना।
कब से इंतजार कर रही हो नूर बीबी? फिर पहचान लिया? तुम नीचे क्यों बैठी हो? तुम हाथ पकड़ कर उठाओगी तभी ऊपर आऊंगी ना। अरे संगीता, मैं देख रही हूँ प्यार तुझे तो ढेरों मिल रहा है। गली के दोनों सिरे प्यार की कमान खिंची है, तुम्हारे इशारे पर कमान से तीर छूटने के लिए तड़प रहा है, लेकिन तुम न दाएं देख सकती हो न बाएं। तुम तो बिल्कुल बीच में चलना चाहती हो, दोनों के बीच न बातुला फासला, न किसी के नजदीक न किसी से दूर। ये कठिन बैलेंस तुम कब तक निभा पाओगी? तुम्हारी लज्जा की जुबान तो बंद है ना। चलो मेरे साथ। ऊपर कमर में सिंधु झाड़ू लिए उस ढीठ कॉकरोच का पीछा कर रही है। निर्मला और अभिसारिका अभी आने वाली हैं। आधी रात मर्दों की दुनिया बेखबर सोई पड़ी, इधर हम पांच औरतें और एक खाली कमरे में संगठन। कितना अच्छा हम सबका मिलन, ना एक दूसरे से कोई काम ना मतलब। जब पहली बार मिले तो बस एक दूसरे को पहचान लिया, बहुत अच्छा लगा। तब ये ठान लिया कि अब और जानकर क्या करेंगे, एक दूसरे को पूछने की जरूरत ही नहीं है कि तू कहां से आई, मैं कहां चली, ये क्यों क्या कहां के उलझन में क्यों पड़े। बस ये क्या कम है कि हम सब हैं और साथ हैं। चलें, चलो आओ। सुरला, आई गो मर, मेला मरत अच्छा है। अरे थाम, कुठे बढ़तो है, अरे थाम। सुरल मेला मरत अच्छा है, हाथ अच्छा है, ये फुकट सा भाड़ोत्री। आजा संभल कर। ये कटरी तुम्हारी है? अरे मैं तो ये कमरा पहले ही साफ कर देती, मगर क्या करूं, ये मिला झिंगुर किधर मिला तक नहीं, हाथ तक नहीं है साला। देखो हम मारा मारी करते करते मर जाएंगे, मगर ये झिंगुर और सूखा बम्बल कभी नहीं मरने वाला। मनुष्य जाति लड़ते लड़ते फिनिश, और धरती पर राज करेंगे ये कीड़े मकोड़े। अरे सिंधु, ये समझदारी की बातें तुझे किसने बताई? मेरा नवरा है ना मंटू, उसने बोला और मैंने सुना। मेरा नवरा बड़ा मगज वाला है, किताबें लिखता है। अच्छा अच्छा, तू अब जरा चटाई तो बिछा, दम्बर सांस तो ले ले। बसा बसा। अभी सारिका, ये तुम्हारे अंगूठे से खून कैसा बह रहा है? मिलन की प्यास थी, अपनी प्रेमी से मिलने गई थी, ना अंधेरी रात देखी, ना घनघोर घटा, ना उन काली घटाओं में छिपा हुआ सांप। वो आसमान से गिरा और मेरे सारे शरीर से लिपट गया, मेरी अंगूठी को डसा, खून भी निकला, दर्द भी हुआ, मैं तड़पी भी, लेकिन ये सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत देर हो गई, निर्मला अभी तक नहीं आई। आती ही होगी, प्रेमचंद की किताबों में उलझी रहती है, बिखरे पन्नों को संवारने में लगी होगी। हाँ वो सबके बारे में सोचती है, पर कैसी हो संगीता? क्या कह रहे हो तुम? तुम देख सकती हो?
कैसी हो नूर बीबी? तुम तो नूर बीबी नहीं लगती। अरे अभी सारिका बता तो सही, अरे सिंधु तू भी, ये सबकी सब एक ही शक्ल की और आवाज भी नहीं आ रही है। आप समझे कि भेस बदल बदल कर एक ही स्त्री सामने आ रही है और कोई नहीं समझ सका इस स्त्री भेद को। सुनो संगीता और देखो नूर बीबी, इन चार दीवारों ने मिलकर यह कमरा बनाया है, किराए पे नहीं चढ़ाया। जहां से मैं आई हूं उस दीवार ने अपना दरवाजा खुला छोड़ा है, जो आना चाहे आए जाना चाहे जाए, ठहरने की इजाजत नहीं है। उधर बीच की दीवार ने ये काली साड़ी अपने बदन पर डाली हुई है, कुछ हिस्सा तो ढक जाए। सामने की दीवार ने एक खिड़की खुली रखी है, बाहर की आवाज अंदर आती है मगर अंदर की आवाज बाहर क्यों नहीं जाती? सुनो संगीता और देखो तुम सब, ये सामने की चौथी दीवार, लोगों की दीवार, जो हम पांच औरतों का शैडो प्ले देखने के लिए खड़ी हुई है। गप्पा बसा, खेल चालू आहे। तुम यही सोच रही हो ना निर्मला कि हमारी आवाज क्यों नहीं आ रही? वो तो युग युग से नहीं आ रही, हमने खुद अपनी आवाज का गला घोंट रखा है। लेकिन अब हमें जमाने को बता देना चाहिए कि सब्र की भी हद होती है, आखिर हमें अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। उठो, चीख कर सब आवाजों को रोक दो, अपनी बात कहो, हिला दो, जगा दो, उठो, चलो मेरे साथ। उन्हें हमें सुनना ही पड़ेगा, चलो।
संगीता। जी बाबा। ये लो। ये क्या है? तुम्हारे हर सवाल का जवाब। कहता है यमदूत से मिल चुका हूँ। यमदूत से? हाँ। अच्छा, नंदी बैल का स्कल। तो तुम यमदूत से मिल चुके हो, इसीलिए चुप हो? मरने की बात छुपाना चाहते हो? बहुत ही अच्छी बात होगी अगर लोगों को चल जाए पता तुम मरना ही पसंद करें। लेकिन तुम नहीं जानते, हम भी जिंदा रहकर मरने का मजा लेते हैं। वो है किसी की मोहब्बत में मरना। किस पर मरती हो? कौन है वो? मैं क्यों बताऊं? जिस पर मरती हूं उसे भी। कहीं तुम तो नहीं बोल रहे? हाँ मैं बोल रहा हूं, कान लगा के सुनो। झूठे, अभी सारा पोल खोलती हूं। मेरे एक सवाल का जवाब दो। करो सवाल। मेरे कितने रूप और उनके क्या क्या नाम? सुनो, तुम हो असल में माधुरी और बनी फिरती हो गजगामिनी। सुनने वालों ने कहा संगीता, देखने वालों ने कहा शाकुंतल और जानने वालों ने कहा। मैं हूं जयंत, तुम्हें लेने आया हूं। क्या तुम मुझे जानते हो? गंगा के तट से तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें पहचानता हूं। कहां ले जा रहे हो मुझे प्रियम? दूर, बहुत दूर, नील गगन के पार। जितनी दूर जाओगे लौटना उतना ही मुश्किल होगा। क्यों? जन्म जन्मांतर से तुम्हारा प्रेमी रहा हूं, फिर ये झिझक क्यों? कैसे बताऊं जयंत, तुम्हारा छूना अच्छा लगता है और पहचाना सा भी, दिल को छू जाता है। तुम्हारा हर पल खुशियों से भर दूंगा, सारा ब्रह्मांड साक्षी होगा हमारे प्रेम का। मगर हम धरतीवासी मृत्यु को पार किए बिना लोक परलोक आ जा नहीं सकते। कैसे नहीं जा सकते? हमारा नंदी बैल हमारे पास है। संगीता, अब इसकी महिमा देखो। देख सकती हूँ। हाँ, तुम देख सकती हो। देखो, वो गरुड़ क्राफ्ट। सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ। चलो, चांद पे चलते हैं। फिर कहीं और।
अरे वैज्ञानिक जी, अरे आप यहाँ भी अखबार? जंगल में मोर नाचा, किसे खबर? मुझे खबर है। इस आश्रम की साइंटिफिक खोज से पता चला है, यहाँ पर बैठकर आप अपनी महान कविता शाकुंतल को जन्म दे सकेंगे, समझ के। क्या आश्चर्य की बात, ये जगह मुझे दूर बनारस घाट से यहाँ खींच लाई। महाकवि, कभी कभी साइंस भी बियॉन्ड रियलिटी की बात करता है। मगर सोच पहले, खोज बाद में। चलिए महाकवि, इस सोच और खोज के झगड़े को छोड़ते हैं, क्योंकि हम दोनों के बीच आपकी महान कविता शाकुंतल जन्म लेने के लिए तड़प रही है। ये जगह रेस्टलेस, आश्रम की गोद खाली, कोयल की कूक, पानी का झरना, हवा की साए साए, सब स्टिल। अरे ये तो कवि की भाषा हुई। तुम्हारा साथ जो है ना, मेरी आदत बिगाड़ रहा है। अब मैं तुम्हें यहां पर छोड़कर अपना रास्ता मापने जाऊंगा। वैज्ञानिक जी, मगर जीवन के किसी न किसी मोड़ पर मिलते रहा करो। ओके, बेस्ट ऑफ लक। महाकवि, टेक केयर। शाकुंतल, 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 सुनो। अरे शाकुंतल, तू इतनी जल्दी बाहर निकल आई? अभी तो मेरे शब्दों से तुझे और संवारना है, मेरी कविता अधूरी है। शाकुंतल, कहीं जंगल की झाड़ियों में खो न जाना। कविराज, आप चिंता ना करें, मैं पद्मिनी और ये मेरी सखी मोहिनी, हम दोनों युगों युगों से आपके महाकाव्य शाकुंतल की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज आपने उसे साक्षात रूप दे दिया और इस जंगल को मंगल बना दिया। ये धरती हमेशा आपकी आभारी रहेगी। और सुनो, ये एक घुंघरू क्यों? शाकुंतल के एक पैर में 6 घुंघरू बंधे हैं। ये 7वां घुंघरू उसके पायल में जोड़ देना। ऐसा क्यों गुरुदेव? क्योंकि आज शाकुंतल का 7वां जन्मदिन है। इतना समय 6 वर्ष तक हमसे छुपाए रखने का कारण? इसका रहस्य
अभी तुम नहीं समझ पाओगी, समय खुद बता देगा। गर्दन पर, अर्थात गज गामिनी। महाकवि ये कह गए कि इन सब समझ के बाहर की बातों का रहस्य केवल समय ही बताएगा। चलें। अरे कहाँ गई? लगता है फिर कहीं छिप गई। ऐसा करें, घुंघरू बजाएं, आवाज सुनते ही सामने आ जाएगी और पूछेगी। हाँ जरूर पूछूंगी, कहाँ है मेरा सातवां घुंघरू? शाकुंतल, तू अब 7 बरस की छोरी नहीं कि भागती फिरे। तुझे अब गजगामिनी की मस्ती भरी चाल से किसी राजकुमार के दिल का शिकार करना है। आओ देखो, हमारे सुंदर वन के मंच पर विक्टोरियन राज का एक नाटक। शाकुंतल, तुम्हारा भी एक बार इस राज पार्टी के पात्रों से परिचय करा दूं। मुख्य पात्र सर जॉन बुल और लेडी जॉन बुल, इनकी छत्र में राजमाता, जो अपने इकलौते पुत्र कुंवर जी का
राज तिलक करवाने में लगी हैं, मगर कंपनी सरकार मंजूरी नहीं दे रही। कुंवर जी हमेशा कुंवारे रहना चाहते हैं क्या? ये कुंवर जी के कंधे पे बंदूक क्यों? बंदूक से गोली नहीं निकलती, प्रेम के तीर छूटते हैं। बड़ा शिकारी, तीर चला के तो देखे, सीधे बांस में लगेगा। ये कौन हाथ में तानपुरा लिए? वो है तानसेन जी, इस राज पार्टी के संगीत सम्राट, और आज रात इस जंगल में दीपक राग छेड़ने वाले हैं। अगर आग भड़क उठी तो मेरे घड़े का ठंडा पानी। लेकिन ये आग वो है जो लगाए ना लगे, बुझाए ना बुझे। शकुंतल, शकुंतल, क्या हुआ? लग गई आग। बन गई बात? बात कुछ भी नहीं। अरे रुको, तो कब तक भागती रहोगी? मैंने जैसे ही तुम्हें दूर से देखा भाग खड़ा हुआ। जरा नजदीक आओ तो तुम्हें पहचानूं। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, जानकर क्या करेंगे? जान दे देंगे या जान ले लेंगे। इसीलिए ये बंदूक? बंदूक तुम्हारे दुश्मनों के लिए। मेरा कोई दुश्मन नहीं। बिना दुश्मनी के काम नहीं चलता। तो चलो तुम मेरे दुश्मन बन जा। जानी दुश्मन? दुश्मन का रिश्ता बड़ा घनिष्ठ होता है, घनिष्ठता बढ़ जाए तो घिन आने लगती है। ये समझ की गहराई कहां से? कवि कालिदास से। नाम सुना है क्या? सुना है, पढ़ा नहीं। तो किसे पढ़ा? शेक्सपियर, कीट्स और बायरन। तो क्या मुझसे अंग्रेजी में दुश्मनी करोगे? हो सकता है दुश्मनी करते करते तुम्हारी जुबान में दोस्ती हो जाए। ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं होने नहीं दूंगी। ये ना तुम्हारे बस में है और ना मेरे। अच्छा तो भागना शुरू करें। एक दूसरे से तो नहीं? मैं क्या जानू। Thank you.
किस नाम से पुकारूं? दुश्मनी का नाम नहीं होता, रही दोस्ती वो तो दूर की बात। ये हमारा दूसरा मिलन है, अच्छा लग रहा है। पहली बार पहाड़ी झरने के पास मिले, प्यास लगने का सवाल ही नहीं उठा, और इस झाड़ी में उलझने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आखिर ये हो क्या रहा है, ना प्यास लग रही है और ना कहीं उलझ पाते हैं। करना क्या चाहते हो? यही तो मुझे किसी से पूछना है। मुझसे नहीं पूछना, बस आते जाते रहना। कब तक आता जाता रहूं? जब तक धरती और आकाश न मिले। ये हमारा तीसरा मिलन, अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये देखो आसपास की जगह। तो जाओ, चढ़ जाओ हिमालय पर्वत की चोटी पर। अगर तुम पार्वती के रूप में मिलो, उसके लिए तुम्हें भंग पीनी पड़ेगी। क्या कहती हो? भंग तो क्या, विष पी जाऊं और गले न उतरे। आए हाय, बड़े चले नीलकंठ बनने। पार्वती ने हजारों साल अपने प्रेमी को नचा नचा कर नटराज बना दिया। क्या याद दिलाया तुमने? नटराज ने पार्वती को छोड़ा नहीं और सृष्टि का पहला विवाह रचाया। सुर भयो खरज चतुरा पुनित सुमत दीपक कथन करत राग लक्षण ग्रंथ मेल काम वरधन दिनहस्त जामगत दीपक कथन करत। अरे ओ मोहिनी, इधर आ। ये देख शाकुंतल को कैसी बेखबर सो रही है। सारी रात आग जलती रही और अब राख का ढेर है। और राजकुमार गायब। उठ, देख सवेरा हो चला। मुझे ना जगाओ,
मेरी आंखें एक सुंदर स्वप्न से भरी हैं। खोलूंगी तो मेरा प्रेमी कहीं बाहर ना निकल पड़े। ठहरा वो परदेसी तेरे नैनों में कब तक बैठा रहेगा? मैं कालिदास की कविता समय की चट्टानों पर लिखी गई, मुझसे टकरा कर कोई लौट कर तो देखे। इतनी देर हो गई, अभी तक तो लौटा नहीं। अच्छा सखियों अब जाओ, अकेली बैठी रहोगी? अकेली कैसे, वो मेरे पास होता है गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। शाकुंतल, तूने अपने नए वस्त्र और नए रंग से इस सुंदर वन को चार चांद लगा दिए, और पांचवा चांद खुद शाकुंतल। मेरा चकोर नहीं आया। वो चकोर चोर तो नहीं? जरा चलकर देखें।
वैज्ञानिक जी, ये हम तीसरी बार मिल रहे हैं। हाँ, पहली बार हम बनारस के घाट पे मिले। तब तुम्हारे हाथ में अखबार था। फिर केरल के जंगल में। फिर भी हाथ से अखबार नहीं छूटा। और अब हम यहाँ आज दो युगों के संगम में फिर टकराए। मगर अब धोती की जगह पतलून और हाथ से अखबार गायब। कवि महाराज, आजकल खबरें पढ़ी नहीं जाती, देखी जाती हैं। पूरब में आग लगाई जाती है आपके सामने, पश्चिम में प्रेम किया जाता है आप ही के सामने, लाइव टेलीकास्ट। अगर हम यह खबर प्रिंट मीडिया के जरिए आप तक पहुंचाएं तो तब तक ये दोनों ही आग बुझकर राख हो चुकी होंगी। तो क्या आप मेरा नाटक पढ़ोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं आपकी कविता सुनूंगा और आपके नाटक, वो तो हर युग में स्टेज होते रहते हैं, सिर्फ पात्र बदलते हैं और रंग बदलते हैं। बनारस घाट पर पीला और सुनहरा रंग, दाल मंडी में सफेद और नीला, केरला में हरा और यहाँ नीला और लाल। वैज्ञानिक जी, आकाश की तरफ तो देखो, बदलते रंग और ऋतु कुछ कह रहे हैं। कवि महाराज, खबर अच्छी है ना? बहुत ही अच्छी खबर है। हमारी गजगामिनी ज्ञान युग और विज्ञान युग के बीच से नए युग के प्रवेश द्वार पर आ रही है। ये तुम्हारी सोच खोज तक कैसे पहुंच गई? हमसे पहले तुम यहां कैसे? संगति संग दोषेन। ये तुम्हारी संगत का दोष है। चलो, अगर इस दोष स्वभाव से मनुष्य जाति का कुछ भला हुआ हो तो अच्छा ही है। ये रियलिटी और इल्यूजन, बस एक थिन लाइन रह गई है, वो है ये काली दीवार। जमीन को बांट नहीं रही है, जोड़ रही है, मिला रही है। यहां दो जमाने, दो सदियां पड़ोसी बन रही हैं, ज्ञान युग और विज्ञान युग। एंड यू नो, ऑलवेज लव thy नेबर। वैज्ञानिक जी, इस काली दीवार के पास ज्यादा देर खड़े ना रहे तो अच्छा। क्यों? What is the matter? मैटर को छोड़ो, कारण को छोड़ो, मेरी सुनो। क्यों? यहाँ कोई एटम बॉम्ब गिरने वाला है क्या? उससे भी कोई भारी खतरनाक हमारे सर पर ना गिरे। देखो, अगर वो साइंटिस्ट के सर पर गिरेगा तो वो निश्चित ही सेब यानी कि एप्पल होगा, और अगर वो तुम्हारे सर पर गिरेगा तो वो एक आसेब होगा, यानी कि एक भटकती आत्मा का साया। ना तो वो सेब है ना आसेब, वो है एक गठरी, गजगामिनी की गठरी। हाँ, माय क्यूरियोसिटी इज किलिंग मी। उस गठरी में आखिर क्या है? क्यों ना हम गजगामिनी के एंट्री के पहले ही उसे खोलकर देख लें और चुपके से उसे बांध लें। इसमें एक भेद छुपा हुआ है। कैसा भेद? स्त्री भेद? क्यों एक ही औरत भेष बदल बदल कर सामने आती रहती है? लेकिन वो जानने के लिए तो तुमने दो कैरेक्टर गजगामिनी के पीछे लगा रखे हैं। एक कामदेव, द इटर्नल लवर, दूसरा द विंची, द अर्थली लवर। बिल्कुल ठीक। इसीलिए दोनों पात्रों को प्रेम का रोग लगा दिया है। तो अब हम दोनों इस रंगमंच से उतरे और प्रेक्षक वर्ग में बैठकर देखें कि कामदेव का मैडनेस और दा विंची का पैशन गजगामिनी को कहां कहां ले जाता है। चलिए। Me
अरे ओ फुलवनिया, क्यों सिंधु यहाँ क्या कर रही है? शाम हो गई, ये क्या झाड़ू देने का टाइम है? अरे झाड़ू देचा टाइम ना है, झाड़ू मारने का टाइम है। किसको मारना है? वो तेरे दाल मंडी गली के कॉकरोच को? नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरा हाथा तच नहीं है। फिर कौन? वो तेरे दो पाव वाला झिंगूर भोला। उसको आने तो दे, आज उसकी ऐसी खबर लूंगी कि बस। साला मेरे को रोज बोलता हूँ आता हूँ आता हूँ, बीच सड़क पर मैं खड़ी उसकी राह देखती और वो मेला आता ही नहीं। सारे मर्द मेरे को आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं, लेकिन तेरे भोला को कुछ दिखाई नहीं देता। भोला भाला है, उसकी आंखों में शर्म है। हाँ, जब वो छोकरी की माफक शर्माता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब वो मर्द की तरह खड़ा होकर चलने लगता है तो मेरे दिल में धक धक होने लगती है। अरे असली धक धक तो वो देख, दूर बोट में ब्लू साड़ी पहने बिल्कुल अकेली। अगो भाई गो, ही कौन? इसको कोई देखा दिखता है ना? हाँ, अब मोनिका बनी अपने हीरो शाहरुख का रास्ता देख रही है। ये सारे मर्द सबको रास्ता ही दिखाते रहते हैं क्या? अच्छा अब बैठ, ये झाड़ू छोड़ और बच्चों को देख, तब तक नूर बीबी आती होगी। अगो, और नूर बीबी नहीं आई तो तू इन 10 बच्चों की आई बन जा। अगो भाई, और मेरे भोला का क्या? भोला बुरा नहीं मानेगा, वो तो इन 10 बच्चों को झूला झुलाएगा। अरे ओ भोला, किधर था तू इतनी देर? कब से मैं तेरा इंतजार कर रही है? देर हो गई, कुछ ज्यादा ही देर हो गई। ले दूध पी। वाह वाह वाह, ये बकरी का दूध पी पी के ही तेरी चाल ढीली ढाली साली है। तो क्या भैंस का दूध पीकर भैंसा सूर बनू? तूने ये पानी के कुएं को स्कूटर स्टैंड या पेट्रोल पंप बना रखा है? माइतने कुटु नेता थे मेले लोकर तीपन खटारा स्कूटर घेऊन। बहुत जबान चले लग गई तेरी, और रूबी बहुत निकरा निकरा सा लग रहा है, क्यों क्या बात है? मैं बताती हूँ बात क्या है, पहले तू सांग तू इधर क्या कर रहा है? 5, 6, 7, 8, 9 क्या गिन रहा है तू? बच्चे गिन रहा हूँ बच्चे, तूने तो कमाल कर दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया तूने तो। हाँ, मैं एक साल के बाद यहाँ पर आया हूँ और सोच रहा हूँ कि एक औरत एक साल के अंदर इतने सारे बच्चे कैसे पैदा कर सकती है, और वो भी 3-4 साल की उम्र वाले। कैसे के? सांगते सांगते पहले ये बता तेरे कितने बच्चे है? अपनी तो गिनती ही नहीं शुरू हुई, अभी तक खाता ही नहीं खोला है। काय रे, हाँ कैमरा घेऊन कब तक फिरनार? हिसाब कब खोलेगा तू? जब तू कहे। साला, ये देखा है क्या? झाड़ू। मालूम मालूम, लेकिन तेरे हाथ में झाड़ू अच्छा नहीं लगता, तेरे हाथ में तो फूलों का गुलदस्ता होना चाहिए। बुके बुके, सिंधु मारती क्यों? अरे एक एक, अरे एक सिंधु सिंधु संभाल, अरे बच्चों इधर आओ ना, संभालो, ए बचाओ ना मुझको, इसको पकड़ इसको पकड़, ले 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 ले, अरे लगता है मार मत, ए ए बुके बोलते तू मला हलकट मेला, ए बस खाली बस बुके बोल तो मला हातात। एक मिनट, अरे कमाल है, मैंने पीछे से देखा तो समझा कि कोई स्वामी वामी हो गए, लेकिन शक्ल से तो एकदम हीरो लगते हैं यार। एक मिनट, हिलना नहीं, और ये जगह भी कुछ फिल्म का सेट लगती है, क्या है ये सब? इधर लाल उधर नीला और बीच में काली सी दीवार, कैन यू एक्सप्लेन? कहीं मैं कोई पागलखाने में तो नहीं आ गया हूँ? हाँ, अरे भाई तुम उधर देखते रहो, ज्यादा बात मत करो। बताओ तुम्हारी अम्मा ने कुछ नाम वाम रखा है तुम्हारा? विवेकानंद, परमानंद या परमानेंटली आनंद? हैंडसम फेस, हाँ? आप बड़े अजीब आदमी हैं, आपको मेरे नाम से क्या मतलब? अरे भाई फोटो जर्नलिस्ट हूँ, नाम पसंद आ गया तो हो सकता है तुम पर कवर स्टोरी कर दूं। हे रुको यार, तुम्हारी फोटोज तो खींच ली है मैंने, अपना नाम तो बताते जाओ। कामदेव। काम? काम नहीं पूछा है, नाम पूछा है, लेकिन काम बताने का इतना शौक है तो बताओ करते क्या? कुछ नहीं करता। बेकार हो? नहीं। कुछ तो करते होगे। प्रेम करता हूं। क्या? प्रेम करता हूं। प्रेम करते हो?
प्रेम करते हो? कमाल है यार, बहुत अच्छा करते हो यार, कहता है प्रेम करते प्रेम करता है। हाय 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 मोनिका, हाउ यू द बोट वुमन? मुझे बहुत हंसी आ रही है, एक सेकंड रुको। ऐसा करो पहले तुम अपने हाथों से खींच कर मेरे मुंह पे एक थप्पड़ मारो। ये लो। आओ। लगा? क्या हाथ है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इस हाथ को चूमूं या इस हाथ को चूमूं, या फिर इस हाथ से लगी इन बाहों को, या इन बाहों से लगे इन शानों को, या इन शानों से लगी इस गर्दन को, या इस गर्दन पे धरे इस खूबसूरत चेहरे को, ये चमकती पेशानी, ये दमकती आंखें, ये कुदास काल। टेक टू। नो प्रॉब्लम, यानी दो बार। वन फॉर द अपर लिप, वन फॉर द लोअर। ओह शट अप। बुरा क्यों मानती? चलो आओ मेरे साथ। नहीं मैं नहीं उठूंगी। आओ ना। नहीं ठीक है, नहीं आती तो मैं लेकर चलता हूँ। क्या कर रहे हो? डोली में बिठाकर घर ले जाओगे? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? न शहनाई न बैंड बाजा कुछ भी नहीं। मुझे नहीं मालूम मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, लेकिन दुनिया वालों को एक गीत सुनाई देगा। तुम्हारी फटफटिया स्कूटर का बेसुरा गीत। मोनिका और शाहरुख जिस सवारी पर सवार हो उसके तमाम कल पुरजों से जल तरंग गूंजने लगता है। वैसे हम दोनों में ऐसी क्या बात है? ना ही हम इश्क के मारे हैं, एंड गॉड फॉरबिड मियां बीवी भी नहीं। दुल्हन सी सजी, नीलम परी बनी। बोलो क्या करना चाहती हो? तुम्हारी फोटोग्राफी की सुपर मॉडल बनना चाहती हूँ। वाओ, इसी बात पर और हमारे अनोखे रिश्ते पर एक कवर स्टोरी का आइडिया कैसा रहेगा? गुड, ग्रेट आइडिया। लेकिन हमको फोटो सेशन के लिए पेरिस जाना पड़ेगा। तुम्हारी इस खटारा स्कूटर पर? मेरे सर पर। मगर पेरिस ही क्यों? Oh, you mean love in Paris? Voulez-vous? No. Love को तो हम उतार कर Eiffel Tower पे टांग देंगे। लोगों को देखने का बहुत शौक है ना? Tourist attraction। हमें तो ज़िंदगी के उन रिश्तों की परछाइयाँ, सच्चाइयाँ ढूँढनी है, जो black and white की तरह या तो है या नहीं है। बस photo session Café de Mago में होगा, जहाँ Simone de Beauvoir और Jean-Paul Sartre 80 साल की उम्र तक उसी कैफे के एक ही टेबल पर टेबल फॉर टू बने रहे, जाम छलकाते रहे। वाओ। और हमारी स्कूटर भी टू सीटर। या। मगर हम जाम छलकने नहीं देंगे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैंने तुम्हें अपनी बीवी बनने के लिए क्यों नहीं कहा। हाई होप्स। शक्ल देखिए आईने में, टूट कर दो टुकड़े हो जाएंगे। वैसे तो तुम अपनी एक्टिंग के जोर पर रोमियो बने फिरते हो, वो भी सिर्फ स्क्रीन पर। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं फिल्मी हीरो? तुम तो ना तो हॉलीवुड के बारे में ना बॉलीवुड के बारे में जानती हो। तुम तो यहीं अकेली अपनी इस बोट में बैठी रहती हो। ना तुम्हारे पास टीवी है, ना मोबाइल है, बस ये मोटी सी ज्ञान की किताब है और ये ऑक्टेवियो पैस की पोएम्स और तैयब मेहता की खोपड़ी, मेरा मतलब स्कल्पचर। फिर भी दुनिया जहाँ की खबर रखती हूँ। तुम पर तो ज्यादा कड़ी नजर रखती हूँ। देखते नहीं मीडिया का फैला हुआ समुंदर? ये मीडिया का समुंदर तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन हैरान इस बात से हूँ कि तुम्हारी जिंदगी की कश्ती अभी तक इसमें डूबी नहीं। डूबेगी कैसे? तुम्हारी स्कूटर से चिपकी जो रहती हूँ। लेकिन बस घड़ी दो घड़ी। ये दो घड़ियाँ दो सदियाँ आकर टकराती रहती हैं। चलो मारो किक अपनी स्कूटर को और छेड़ो वही गीत। ओके चलो। सदियों के संगम पर मिलने आए हैं दो सदियों के संगम पर मिलने आए हैं दो
सदियों के संगम पर मिलने आए हैं। सदियों के संगम पर मिलने आए हैं, तो सदियों के संगम पर मिलने आए हैं। एक सदी की शाम जहां पर एक सदी का वही सवेरा, समय न डाले कहीं भी डेरा। एक समय लेकिन हेलो यस सर, आज ही जी, यस सर, यस एयरफोर्स के मीडिया कमांड से SOS था कि मैं फौरन ऑपरेशन ब्लैक मून के ऑर्बिट में चला जाऊं, समझो खतरे का सायरन। तुम खतरों से खेलने वाले, खतरों को अपने कैमरा से शूट डाउन करने वाले, होशियार रहना। और ये भी याद रखना है कि कोई है जो हमेशा मेरा इंतजार करता है। हुँ? हुँ?
सिंधु, सिंधु। काय साले? मेरी बहन फुलनिया कहाँ गई? ये फूलों की टोकरी साथ, ये पिस्तौल? पिस्तौल? आई का देवा? फुलनिया? अरे ओ फुलनिया, कुठे गेली ही? मोनिका, चल मोनिका दीदी से पूछे, चल रे। मोनिका दीदी, मोनिका दीदी, तुम्हारे हाथ में पिस्तौल? क्या हुआ? बोलो, जल्दी बताओ। ये पिस्तौल फूलों की टोकरी के साथ पड़ी थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बहन फुलनिया को कुछ हुआ तो नहीं? वो कहाँ जा सकती है? उसका कोई नहीं। घाबरू न को भोला, उसको कुछ नहीं होएगा, वो जरूर मिलेगी। हाँ भोला, मेरी जिंदगी के हर मोड़ पर वो दिखाई देती है। वो कहीं नहीं जा सकती। हाँ, बनारस घाट से साथ रही, कभी पिस्तौल के बारे में कुछ भी नहीं कहा। हाँ याद आता है, जब मैं फुलवनिया से पहली बार मिला तो मैंने उसे पूछा कि सर पे लाल पट्टी क्यों? वो बोली, मेरे सिंदूर का खून किसने किया? ढूंढ रही हूं, छोड़ूंगी नहीं। मैं बोला, क्या फूल बेचते बेचते? वो बोली, भोला तू कितना बुद्धू है रे, ये जो ऊपर फूल दिखते हैं इसके भीतर आग ही आग है। शाहरुख, तू भी कहाँ छिप गया? सुन मेरे जिगर से निकली आवाज को, ऊपर ऊपर फूल खिले हैं, भीतर भीतर आग। भाग चमन से भाग रे पंछी, भाग चमन से भाग। My dear Monica, you always give me a surprise, a pleasant one. चौंका देती हो। हम दो बहनें, इस दीवार से लगी हम दोनों की जिंदगी, इस दीवार से लगी दो सदियां, एक जानी पहचानी पुरानी, दूसरी नई अनोखी अनजानी। हम दो बहनें, न तुम छोटी न मैं बड़ी, और जुड़वा भी नहीं। इसी दीवार ने हमें जोड़ रखा है। आओ मोनिका, आओ थोड़ी देर के लिए दीवार के उस तरफ की मेरी दुनिया को देखो, अभी अभी शुरू हो रही है। आओ, ये देखो बुलंद दरवाजा, आने वाले नए युग में दाखिल होने का दरवाजा। वहां वो लंबी टेबल, साथ में 10 कुर्सियां, प्लानिंग कमीशन की मीटिंग जिसकी मैं चेयरपर्सन हूँ। ग्रेट। अच्छा ये बताओ, इतना लंबा टेबल देखकर ये ख्याल तो नहीं आता कि कहीं लास्ट सपर का डाइनिंग टेबल सेटअप किया गया है? क्योंकि मशहूर आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची आजकल मेरा मेहमान है। ओह, वो महाशय यहाँ भी पहुंच गए? आओ मोनिका, कुछ चेंज वेंज कर लो। वैसे भी इतनी खूबसूरत हो कि अगर मेरी 2-4 और बहनें होती तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के शेयर गिर जाते। तुम भी क्या कम हो, एक ही माँ बाप के तो पैदावार हैं हम दोनों। हाँ, मगर तुम अपनी माँ की दिलदारी पर गई हो और मैं अपने बाप की दुनियादारी पर। अरे वक्त हो गया, वो आते ही होंगे। कौन? हमारे जीजा जी? शादी के बाद तो उन्हें देखा ही नहीं। शादी के बाद मैं भी वैसी ही हूँ, सिर्फ इंटरनेट पे मुलाकात होती है। ओह, वो भी ये कहने, हाय डार्लिंग, आई मिस यू, गुड न्यूज,
about to strike a multi-billion dollar deal. Interplanetary conglomerate. यानी कि जीजा जी का एक नया kangaroo. अरे वो देखो, two of my bosom pals. Come meet two of my bosom friends. Rajmata of Chandrapur. Hello. Nawab Begum of Haidarpur. मेरी छोटी बहन मोनिका. नमस्ते. क्या खूब, खुश रंग, खुश चेहरा. आपकी बहन चाहे कितनी भी तारीफों के पुल बांधे, पर आपका हुस्न बेमिसाल. माशाल्लाह, चश्मे बदूर. आपको देखकर हमें जोश मलिहाबादी का एक शेर याद आता है. इरशाद. कहा है, हाथों में है चेहरा जैसे रहल में कुरान. सत्यम शिवम सुंदरम. मेरे चेहरे की तारीफ जितनी आप लोगों ने की है उतनी तो कोई शाहरुख भी नहीं कर सका. वैसे मैं कहाँ इतनी खूबसूरत हूँ. ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर. आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई. आप दोनों तो हमारे इस हिंदुस्तानी कॉम्पोजिट कल्चर की शानदार निशानियाँ हैं. आइए, अब आप सबके लिए चाय रखती है. बिराजिए, तशरीफ रखिए, जब तक मैं एजेंडा के दो तीन आइटम्स निपटा कर आती हूँ. मोनिका, तुम अपने नए मिलेनियम ड्रेस का ट्रायल ले लो, तुम्हारे लिए खास बनवाया है. न्यू एज का मेटालिक लुक. मल्लिका, मेरी असली पहचान तो पंढरपुर की वही काली साड़ी है. इस मेटालिक लुक पर जमाना न जाने का जंग चढ़ा दे. प्रोफाउंड. देखिए वो बुलंद दरवाजा. आसमान को छूते हुए उसके कॉलम. अपनी आंखों के सामने बदलते हुए रंग, रहन सहन के ढंग. हालांकि आसमान वही, जमीन वही, लेकिन आसमानों से वो फाख्ताएं कहाँ उड़ गईं जो प्यार की चिट्ठियां पहुंचाया करती थी. अब तो रॉकेट छोड़ने लगे हैं. मर्दों को आतिशबाजी का बड़ा शौक है. सुनते हैं धरती से छलांग मारकर ये आदमी सारी सृष्टि का मैनेजिंग डायरेक्टर बनने चला है. बहुत देर बाद मर्दों को समझ में आया कि दुनिया चलाने में औरतों का हाथ होना बहुत जरूरी है. संगीता तो देख नहीं सकती थी और तुम समझ नहीं सके. हाँ 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 हाँ, तुमने इशारे से कहा था कि तुम फिर समझाओगे. अगर उस वक्त समझा देता और संगीता को हमारे प्लान का पता चल जाता तो वो बड़ी होशियार है. न जाने कौन से भेस में और किस गली से हम दोनों से नजर बचा के निकल जाती. अब क्या प्लान है? आज रात हमें लेडी मलिका बिलग्रेट के डिनर पर जाना है. वो डिनर का लंबा टेबल, उस पे संध्या का भोजन. मुझे तो तुम्हारी मास्टरपीस पेंटिंग लास्ट सफर की याद आ रही है. एक लिहाज से लास्ट सफर का रिहर्सल ही समझो. हमारी सेंचुरी का फेयरवेल डिनर. कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब आंखों को धोखा दिया जा रहा है और यहां पर भी गजगामनी हमें पांच पांच दिखाई दे. नहीं कामदेव, नहीं. गजगामिनी अब एक से पांच नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? इसे कल पे छोड़ दो. फिलहाल चलो राजमाता की चाय पर और फिर उसके बाद लेडी मलिका का बैंक्वेट अंडर द न्यू मिलेनियम गेट. आइए आइए महाकलाकार दा विंची, आज शाम के उत्सव को अपने रंगों से रंगीन बनाइए. और आइए कामदेव जी, अपनी बांसुरी उठाइए और इस सुंदर वातावरण में प्रेम और शांति के सुरों को छेड़िए. हाय अभिसारिका, तो तुम भी भटकती भटकती यहाँ तक पहुँच गई. कहो, मिला कहीं तुम्हें तुम्हारा रविंदर? यही सवाल मैं तुमसे पूछूंगी कि कहाँ है तुम्हारी गजगामिनी. है, मेरे पास है. पास? कहीं छुपा रखा है? ये मेरा ब्रश देख रही हो, इसमें छुपी हुई है. इसीलिए तुम हमेशा अपने ब्रश को लिए घूमते हो. इसमें गजगामिनी के कई रूप छुपे हुए हैं. जरा हम भी देखें आपके ब्रश का जादू. जरूर देखिए, कई रूप बाहर छोड़े हैं. अजंता की दीवारों पर ब्लैक प्रिंसेस का रूप देखिए, मोहिंजोदारो में डांसिंग गर्ल का रूप देखिए, पेरिस के लूवर में मोनालिसा का रूप देखिए. ये ना समझना कि गजगामनी को तुम अकेले ही एक रूप दे रहे हो. अब ब्रश के स्ट्रोक में सारी गजगामनी समेट लोगे? नहीं नहीं कामदेव, याद है तुम ही ने एक बार बहुत पहले कहा था
कि गजगामिनी को हम दोनों एक दूसरे से चुरा कर भी नहीं ले जा सकते। ये गजगामिनी है भी या ख्याली पुलाव खाली डेग में पकाए जा रहे हो? गजगामिनी का किस्सा कुछ अधूरा अधूरा लगता है भाई। एक लैला वाकई थी तो मजनू ने अपने कपड़े फाड़ लिए, एक शहजादी शीरी थी तो फरहाद ने पहाड़ काट डाले, लेकिन आपकी गजगामिनी का इश्क तो हमें आप दोनों का दिमागी बुखार लगता है। क्यों, एक के हाथ में ब्रश, दूसरे के हाथ में बांसुरी, एक रंगीला दूसरा सुरीला। सवाल उठता है एक, जवाब है कई, आवाजों का हुजूम, चलती सांस का सफर, गिनती के कदम, कोई दूर कोई नजदीक। सामने की दीवार काली चादर ओढ़े बैठी है। बच्चे घर नहीं लौटे अभी, मगर हम सब औरतें यहां क्यों हैं जमा? ये रोटी के दो टुकड़े और कई प्याले, सवाल है एक, जवाब है कई। टेबल के दो सिरे हैं, एक सिरे पे खड़े हैं लियोनार्डो दा विंची और दूसरे सिरे पे खड़े हैं कामदेव। इन दो सिरों के दरमियान का फासला हम औरतें तय कर रही हैं। गिनती के कदम, चलती सांस का सफर, आवाजों का हुजूम, जिसमें से एक आवाज मेरी बहन मोनिका की है। मेरी आवाज में अल्फाज बहुत कम रह गए हैं। दीवार के उस पार की कश्ती चलाने में खर्च हो गए। यूं भी मैं कश्ती में खामोश बैठी रही, किताबें मुझसे बातें करती रही। ये खामोशी, ये शब्दों की कमी मेरी और तुम्हारी है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सफर खत्म हो रहा है या हमारे कदम डगमगा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। मैं कुछ कहूं आपको सुनकर अचंभा होगा। तुम सरप्राइजेस का पुलंदा हो, चौंका देती हो। ये दो कदम इस सिरे, वो दो कदम उस सिरे, इन चार कदमों ने सदियां काटी हैं। इन कदमों की आहट ने कहीं छिपे एक दिल का दरवाजा खटखटाया। वो दिल किस औरत में छिपा है? वो दिल किस औरत में बैठा आने वाले का इंतजार कर रहा है? कोई नहीं जानता। वो मोहब्बत का प्यासा दिल, ऐसी प्यास जो समंदर भी नहीं बुझा सका। वो दिल एक ऐसे कश्ती में प्यासा जा बैठा जिसके नीचे का पानी सूख चुका था। वो दिल केरला के ऐसी जंगली झाड़ियों में उलझता रहा जिसके सूखे पत्ते पैरों तले कुचलते रहे। वो दिल जो दाल मंडी की अंधेरी गलियों के उन चार कदमों की आहट पर धड़कता रहा। शायद वही दिल आज आधी रात इस बुलंद दरवाजे से गुजरने वाला है। कौन है वो औरत जिसके सीने में ऐसा बेचैन दिल है? मैं भी एक औरत हूं, मगर मुझे भी नहीं पता कि वो औरत कौन है। सवाल एक, जवाब है पांच।